आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया व्हेन ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड इन द राइट गैप एंड नॉन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप। मतलब ये बात हो रही है हमारी मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज में क्या होता है, मीटर ब्रिज में अपनी एक मीटर स्केल रहती है जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइंड रहता है एंड दो रेजिस्टेंस रहते हैं अपने पास, आर अपने पास नॉन रेजिस्टेंस रहता है एंड एस अननोन रेजिस्टेंस रहता है। इनमें से अगर हमें एक रेजिस्टेंस पता है तो हम दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मीटर ब्रिज यूज होता है। तो स्टार्टिंग में बोल रहा है कि व्हेन ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड इन राइट गैप एंड द नॉन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप। ओके, तो आर की वैल्यू हमें पता है एंड एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो आर बाई एस अपना क्या हो जाएगा इसमें, वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड पॉइंट कैसे फाइंड करेगा अपना, ये डिफ्लेक्शन कब नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, जब पॉइंट बी एंड डी का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, मीन्स ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई करे, मीन्स आर अपॉन एस किसके इक्वल हो जाए, इस लेंथ एल वन एंड एल टू 100 माइनस एल टू इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो है वो आर बाई एस के इक्वल हो जाए। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है अपनी 60 सेंटीमीटर, मीन्स एल वन अपनी कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर एंड एल टू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 60 सेंटीमीटर मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर कुछ होगा अपना। ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है ना। तो आर बाई एस यहाँ से कितना आ जाएगा 6/4 आ जाएगा, ये कितना हो गया 2/6 2/4। तो यहाँ से इनिशियली जो आर था नॉन रेजिस्टेंस अपना और एस 3/2 हो गया। उसके बाद बोल रहा है द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 42.4 सेंटीमीटर, मीन्स जो एल वन है अपनी वो हो जाती है अपनी 42.4 सेंटीमीटर व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस वाई। तो इसकी जो लेंथ है वो कैसे इंक्रीज होगी, तो हमें एस डैश फाइंड करना है। अब अपना आर आई एस डैश कितना हो गया, एल वन कितनी अपनी 42.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल टू के 100 माइनस एल वन कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100 माइनस 42.4, 10 में से 4 चले गए 6, 10 में से 3 7, 10 में से 5 5, तो ये 57.6 आ गया। ठीक है, यहाँ से अपना आर वाई एस डैश आ जाएगा 0.736। ठीक है, एंड आर अपन एस अपना कितना है 1.5, इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे तो अपना एस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एंड एस डैश नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.736 अपॉन 1.5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाता है अपना 1/2.038। और यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा एस डैश स्ट्रेच करने के बाद वो इनिशियल का क्या होगा 2.038 टाइम्स होगा। ठीक है, अपना अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अगर रेजिस्टिविटी वायर की रो है उसकी लेंथ एल है एंड एरिया ए है, तो ये हो जाता है। ठीक है, जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो उसका लेंथ एंड एरिया दोनों चेंज हो गए क्योंकि वॉल्यूम अपनी कॉन्स्टेंट है। तो इनिशियली अगर लेंथ एंड एरिया एल ए वॉल्यूम वी थी और फाइनल लेंथ एल डेस हो रही है एरिया ए डेस हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना पड़ेगा, सेम रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं एस डेस इज इक्वल टू 2.038 इंटू एस क्या अपना रो एल बाई ए। ओके, एंड एस डेस कितना हो जाएगा, एस डेस हो जाएगा अपना रो एल डेस डिवाइडेड बाई ए डेस। ठीक है, अब ए डैश हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से ए डैश क्या लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू एल ए डिवाइडेड बाई एल डैश। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा रो एल डैश स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल इंटू ए इज इक्वल टू 2.038 इंटू रो एल बाई ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया अपना, रो से रो कैंसिल हो गया, एल डैश स्क्वायर अपन एल स्क्वायर आ गया कितना अपना एल डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.038। ठीक है, यहाँ से एल डैश बाई एल आ जाएगा अपना स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1.427। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी इट्स लेंथ इंक्रीज बाई, तो इसकी लेंथ कैसे इंक्रीज कर रही है, तो हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, मीन्स एल डैश माइनस एल बाई एल इंटू 100 फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 0.427 एंड 100 से मल्टीप्लाई करने पर 42.7%। ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ 42.7% से इंक्रीज हो जाएगी, तो ये अपना आंसर करेक्ट हो जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।